हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आज मैं आपको बहुत ही खतरनाक प्रयोग के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, उसका मंत्र विधान सब आपको बताने जा रहा हूँ। ये प्रयोग आप बड़ा ही सोच समझ कर करें। और एक बात और कि जो साधक नहीं हैं या जो साधक न साधक हैं, जिनके पास आसन, कीलन, सुरक्षा, घेरा, ये सब बारे में जिनको जानकारियाँ नहीं हैं, वो इसमें हाथ ही न डालें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये शत्रु को दंड देने के लिए होती है, समझे आपको, ये शत्रु को दंडित करने के लिए दी गई ये मंत्र प्रयोग है। और ये माँ काली का मंत्र प्रयोग है, बहुत ही खतरनाक मंत्र प्रयोग है। इस मंत्र से अच्छे अच्छे शत्रु जो है आपसे माफ़ी मांगने लगेंगे। एक महीने के अंदर अंदर अगर आपने इसको सही प्रक्रिया और सही हैं आप तो इसको कर लिया, तो एक महीने के अंदर अंदर वो आपके पैरों में गिर के माफ़ी मांगेंगे, कितने बड़ा से बड़ा शत्रु हो, ठीक है ना। अब जानते हैं, चलिए आइए बढ़ते हैं प्रयोग की तरफ। प्रयोग क्या है, ठीक है, तो करना क्या है आपको, काली जी के मंदिर पे चले जाना है। कोई भी काली जी का मंदिर आप ले लें। आपको जाना कब है, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन शाम के समय में, सूरज ढलने के पहले। और ये प्रक्रिया आपको निरंतर एक महीने तक करनी है, संकल्प लेकर करनी है। जो आपका शत्रु है उसका नाम बोल देना है, एक नारियल की बली माँ को अर्पित करनी है, और ये मंत्र का आपको एक माला प्रतिदिन जाप करना है। एक महीने तक का आपको संकल्प लेना है, अपने शत्रु का नाम लेना है। संकल्प लेने की विधि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो है, आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आपको एक माला उस मंत्र का जो है, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिया जाएगा। इस मंत्र का आपको निरंतर एक महीने तक जाप करना है। आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर अंदर आपका काम पूर्णतः हो जाएगा, 100% गारंटेड चीज़ है, आजमाया हुआ प्रयोग है, जो काम करता ही करता है। तो आप इसका प्रयोग करेंगे, आपका काम होना ही होना है। और माता को नारियल की बलि अर्पित करनी है, एक जो है माता को हार चढ़ाना है, या तो गुलाब के फूल का चढ़ा सकते हैं, या तो अड़हुल के फूल का चढ़ा सकते हैं, या तो कोई भी लाल फूल चलेगा। और एक घी का दीपक जलाकर आपको निरंतर जो है जाप करना है। समय आपका एक रहेगा, जैसे मान लीजिए आप शाम में 5 बजे बैठ रहे हैं, तो आप एक महीने तक शाम में 5 बजे ही बैठेंगे। आपको जाप में तोड़ना नहीं है, पूजा खंडित नहीं करनी है। आपको एक महीने तक ये मंत्र जाप आपको डेली एक माला कम से कम करना है। करने के बाद माता से प्रार्थना करनी है। संकल्प पहले दिन ही लेना है, डेली नहीं लेना है, बस पहले दिन संकल्प लेके आपको बैठ जाना है, ठीक है। ये प्रयोग आप एक महीने तक करेंगे, आपका काम गारंटेड है कि हो जाएगा, ठीक है। आप इस प्रयोग को करें, कर आजमाएं, और आजमा करके हमें ज़रूर बताएं कि प्रयोग आपका कितना फीसदी काम किया। लेकिन हाँ, एक बात आप जान रख लें कि आप सही होंगे तभी यह प्रयोग काम करेगा, अगर आप गलत होंगे तो फिर आपके ही ऊपर ये प्रयोग लग जाएगा, ठीक है। और ये अगर प्रयोग आप करते हैं तो अपने गुरु के निर्देश में ही करें, क्योंकि अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया तो आपको संभालने वाला भी कोई होना चाहिए। नए लोग इसको ना करें, ये हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, अगर उनके साथ ऊपर नीचे की कोई भी बातें कल के दिन होती हैं तो हम या हमारा चैनल कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा। चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।